शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। लिसनर्स, मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल हर रोज़ की तरह बहुत डरावनी खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और यकीनन उनमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। मेरी स्टोरी को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का सिलसिला। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सनी शेयर कर रहे हैं जर्मनी से। सनी कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिले फरामोश किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो कि आज से 28 साल पहले की बात है। तब मेरी एज जो थी वो 16 साल होती थी। हम लोग जर्मनी में शिफ्ट हुए। वहाँ पर जैसे टाउन होते हैं, एक टाउन में हम लोग रहते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों को वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन गुजर गए तो हम लोगों के घर पर दस्तक हुई। जब हम लोगों ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उसने हमें इनविटेशन दिया कि सैटरडे नाइट को एक पार्टी है तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर आना। हम लोगों ने मेरे जो फादर थे उन्होंने वो इनविटेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग वहाँ पर जो पार्टी पॉइंट था, जो जगह उन्होंने बताई थी, हम लोग वहाँ पर चले गए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे वो जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, वो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई पार्टी का सीन है भी सही या नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग थे। मेरे फादर जो थे उनसे बातचीत करने लग के उसके बाद वहाँ पर मैं भी बोर हो रहा था, इधर उधर चल फिर रहा था तो मुझे एक आइसक्रीम वैन नज़र आई। मैंने वहाँ से आइसक्रीम ली और जाकर एक बेंच पर बैठ गया। अब वो जो बेंच वाली जगह थी वो बिल्कुल सुनसान सी थी, वहाँ पर और कोई भी नहीं था। मुझे एकदम से ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे मुझे आवाज़ आती है, जैसे मेरे पास कोई चलकर आता है। इधर उधर मैंने देखा लेकिन मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा था। मैं फिर आइसक्रीम खाने लग गया। थोड़ी देर के बाद जो सामने वाला हिस्सा था जहाँ पर दरख्त थे वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो मुझे बार बार देख रहा है। मुझे आँखें भी नज़र आ रही थी और किसी का सर भी नज़र आ रहा था, लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि जो कोई भी था सामने नहीं आ रहा था। जैसे मैं उठकर खड़ा हुआ कि मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन है, तो उसी टाइम मुझे ऐसा लगा वहाँ से कोई चलकर मेरी तरफ़ आ रहा है। वो कोई आदमी था। जैसे वो दरख्तों से निकलकर रोशनी में वो रोड पर मेरे करीब आया तो उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो एक आदमी था जिसका जिस्म जो था इंसान का था और चेहरा सांप की तरह था और वो सांप की तरह आवाज़ भी निकाल रहा था। उसको देखने की देर थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पाँव बिल्कुल जम गए थे, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, जैसे कैसे करके मैं अपने फादर की तरफ भागा। बहुत डरा हुआ था मैं। मैंने उन्हें जाकर सारी बात बताई। जब उन्होंने वहाँ पर आकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वहीं पर मैं बेहोश हो गया। मेरे फादर जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तभी जब मुझे होश आया तो एक दफ़ा दोबारा वो मुझे नज़र आया और फिर एकदम से गायब हो गया। हम लोग घर वापस आ गए तो उस टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब थी। एक दो दिन के बाद जैसे मैं नॉर्मल हुआ, मैं बहुत खौफज़दा भी था, पता नहीं मैंने क्या चीज़ देखी है क्या नहीं। उसके बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया था। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही अपने घर वापस आया मुझे ऐसा महसूस हुआ तब भी मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन मैं पीछे पलट कर देखता था मुझे नज़र कोई नहीं आता था, लेकिन कदमों की आहट महसूस होती थी। मैं फिर घर वापस आ गया। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे वही शख्स मेरे पीछे खड़ा हुआ है, जैसे मैं पलट कर देखता हूँ वो मुझे पकड़ लेता है। ख्वाब में भी मैं उससे बहुत डर रहा था, उससे भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे मेरी आँख खुली मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था कि मुझे इतने डरावने ख्वाब क्यों आ रहे हैं, मुझे वो बार बार नज़र क्यों आ रहा है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। उससे अगले दिन मैं फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया। जैसे मैं नमाज़ पढ़कर निकला तो आज फिर मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा था। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा फिर मुझे वही आदमी नज़र आया।
उसका चेहरा सांप की तरह था और आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। मैंने जब उसको देखा तो मैंने भागना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। वो भी मेरे पीछे भाग रहा था, यहाँ तक कि वो भागते भागते मेरे घर तक मेरे पीछे आ गया। मैं बहुत मुश्किल के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता अपने घर तक पहुँचा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह से मेरे पीछे वो आदमी लगा हुआ है, मुझे ख्वाब में भी नज़र आता है जिसको मैंने वहाँ पर देखा था। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मुझे बहुत सख्त बुखार था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हो गया है, वो आदमी क्यों नज़र आ रहा है, जबकि मेरे फादर को वहाँ पर नज़र भी नहीं आया था। फिर मेरे घर वालों ने यही मुनासिब समझा कि हमें किसी से रुजू करना चाहिए, वहाँ पर भी ऐसे मजहबी स्कॉलर्स होते हैं, साहिब इल्म हस्तियाँ होती हैं वहाँ पर भी। तो हमने किसी के साथ जैसे ही हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, मेरे अबू जानते थे, मेरे अबू के दोस्त थे वहाँ पर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छे बहुत पहुँचे हुए एक आमिल थे, उनसे रब्ता किया, उनके पास मुझे लेकर गए। तो उन्होंने जब पढ़ाई की, पानी दम किया, उनका ये कहना था कि इस बच्चे के ऊपर एक जिन ने कब्ज़ा किया हुआ है और वो इसके पीछे लग गया है, उसी का इसके ऊपर साया हुआ है, जिसकी वजह से वो इसको बार बार नज़र आ रहा है, कभी ख्वाब में नज़र आता है, कभी सामने आ जाता है, क्योंकि जिस जगह पर ये बैठा था वहाँ पर वो उस टाइम मौजूद था, वहाँ पर वो रहता था। और वो अब इसके पीछे इस हद तक लगा हुआ है कि जैसे उसने इसको अपने हिसार में किया हुआ है कि इसको नुकसान देकर अपने साथ ले जा सके। अब घर वाले भी बहुत डर गए, मैं भी बहुत डर गया, क्योंकि मुझे तो वो बार बार नज़र आ रहा था। फिर वो जो आमिल साहब थे, उन्होंने कुछ पढ़ाई बताई, कुछ तावीज़ वगैरह दिए, और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर आप लोग कोई बकरा ज़बा करके उसी जगह पर फेंक कर आएँ, इंशाल्लाह वो जान आप इस बच्चे की जान छोड़ देगा। फिर ऐसे ही किया मेरे घर वालों ने, मेरे अब्बू ने, फिर वहाँ पर जाकर वो बकरा ज़बा कर फेंक के आए। उसके बाद मैं ठीक हो गया, दोबारा से कभी भी मुझे वो ख्वाब भी नहीं आया और ना ही वो मखलूक मुझे दोबारा नज़र आई। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सनी आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर कर रही है इंडिया से। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ अपनी नानी अम्मा की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे अम्मी ने सुनाई है और अम्मी को नानी अम्मा ने सुनाई थी। नानी अम्मा कहती हैं, जब उनकी उम्र 6-7 साल होती थी तो वो लोग एक गाँव में रहते थे। उस गाँव में एक कुआँ मशहूर था। उस कुएँ के बारे में ये कहा जाता था कि वो कुआँ बहुत ज़्यादा अरसे से बंद है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि नानी अम्मा को भी मना किया करते थे लोग कि वहाँ पर, उनके घर वाले कहते थे नहीं जाना। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि गांव के ही दो बच्चे उस कुएँ के पास खेल रहे थे। कोई भी नहीं जानता कि किस तरह से वो बच्चे उस कुएँ में गिरे और उनकी मौत हो गई, जबकि वो बंद कुआँ था। उसके बाद उन्हीं बच्चों के रूप में वहाँ पर अक्सर लोगों को जिन्नात नज़र आते थे। कभी कुएं के ऊपर बैठे हुए नज़र आते थे, कभी कुएं के अंदर से आवाज़ें आती थी और फिर वो गायब हो जाते थे। नानी अम्मा भी अक्सर अपनी सहेलियों के साथ उस जगह पर जाया करती थी, जबकि उनके घर वाले मना भी करते थे। एक दफ़ा नानी अम्मा अपनी सहेलियों के साथ उसी कुएं के पास चली गई कि चलो चलकर देखते हैं वहाँ पर सच में लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं या नहीं। आज हम लोग भी अपनी आँखों से देखेंगे कि जिन कैसे होते हैं, जैसे बच्चों का माइंड होता है शरारती। तो वो अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पर चली गई। जब वहाँ पर गई तो इन लोगों को वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। ये आपस में बातें करने लगी कि शायद वैसे ही हमें सब मना करते हैं, यहाँ पर तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर जिन्नात होते, कोई जिन होता, वो बच्चे होते तो हमें भी नज़र आते। यहाँ तक कि इन लोगों ने कुएं में झांक कर भी देखा, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। फिर इनकी एक सहेली ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, हम कुएं में पत्थर फेंकते हैं, अगर यहाँ पर जिन्नात हुए तो हमें ज़रूर नज़र आएंगे। अब उनकी जो सहेली थी, उसने ज़मीन से पत्थर उठाए और उस कुएं में मारने शुरू कर दिए। जैसे उसने उस कुएं में पत्थर मारने शुरू किए, कुएं के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आने लग गई और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जब इन लोगों ने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, ये लोग बहुत डर गई और तेज़ी के साथ भागती हुई घर आ गई। घर आकर इन लोगों ने डर के मारे किसी को ये बात नहीं बताई कि हम लोग कुएँ पर गए थे और वहाँ पर ये सब हुआ। नानी अम्मा तो ठीक थी, अब एक दो दिन से उनकी फ्रेंड जो थी उनसे मिलने नहीं आई। तो नानी अम्मा उसके घर गई तो पता चला वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे बहुत सा बुखार है। डॉक्टर से मेडिसिन भी ली लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो नानी अम्मा को ये एहसास हुआ कि हमें अपने घर वालों को ये बात बतानी चाहिए कि हम लोग उस कुएं पर गए थे और इसने पत्थर फेंके थे, तो इस तरह से हुआ था, क्योंकि उनके घर वाले कहते थे ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल निकाल कर रो रही है,
और हमें नहीं पता है किसको क्या हुआ है। तभी नानी अम्मा ने उनके घर वालों को ये बात बताई कि इस तरह से हम लोग उसी कुएं पर गए थे, जिन्नात वाले कुएं पे। तो वहाँ पर वो जो हम लोगों इसने पत्थर फेंके थे, तो बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि हम लोगों को जिन कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर उनके घर वाले समझ गए कि इन लोगों ने ये हरकत की है, इसी वजह से वो जिन्नात जो हैं अब इनको तंग कर रहे हैं, इस हमारी बेटी को तंग कर रहे हैं। फिर उन लोगों ने किसी अल्लाह वाले से रब्ता किया, तो जब उन्होंने पढ़ाई की तो उस लड़की के जिस्म में बाकायदा वो बोलने लग गए। और उनका ये कहना था कि इस लड़की ने हम लोगों के ऊपर पत्थर मारे हैं, हम लोग उस कुएं में रहते हैं, हम लोग इसके सामने भी नहीं आए, लेकिन इसने हमारे ऊपर पत्थर मारे हैं, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम भी इसको ऐसे ही तकलीफ़ देंगे और इसको अपने साथ ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल के साथ उन लोगों ने उस लड़की का इलाज करवाया, उसको तावीज़ पहनाए और माफ़ी मांगी बाकायदा। तब जाकर वो जो जिन्नात थे उन्होंने इस लड़की की जान छोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की नॉर्मल हो गई अपनी ज़िंदगी में। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका नायक ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका नायक आपका। प्रियंका भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि दुआ मांगे कोरोना वायरस इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हुए हैं। ये खौफनाक कहानी तस्नीम शेयर कर रही हैं सूरत गुजरात इंडिया से। तस्नीम कहती हैं, आज आपके साथ अपने नाना अबू की अम्मी की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिल फरामोश वाक़ शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब अभी नाना अबू भी इस दुनिया में नहीं आए थे, तो उनकी जो अम्मी थी वो उम्मीद से थी। तो असर का टाइम था, तो वो अपने घर से बाहर निकली ज़ियारत के लिए, कहीं गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी। तो जिस रास्ते से वो गुज़र कर आ रही थी वहाँ पर फूल लगे हुए थे उनका, वहाँ से वो एक फूल गुलाब का कोई फूल था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्होंने वो फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। जब घर वापस आई तो घर आकर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यहाँ तक कि अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई उनकी। अजीबोगरीब तरह से वो बिहेव करने लगी, कभी चीज़ों को उठा उठा कर फेंकने लग गई, कभी अपने बाल खोल देती, अपने आप को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, ख़ुद को नोचना शुरू कर दिया। अब उनके वो जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं इनको क्या हुआ है। उनकी इस हालत को देखकर उनको कमरे में बांध दिया गया, क्योंकि वो अगर उनको बांधते ना तो शायद वो ख़ुद को भी नुकसान दे लेती। फिर उन लोगों ने किसी अल्लाह वाले से रुजू किया, उनको बुलाकर लाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। जब वो अल्लाह वाले आए तो उन्होंने पढ़ाई की, तो पता चला कि उनके ऊपर जिन्नात के असरात हो चुके थे, जिन का असर हो चुका था, गैर मरे मखलूकात ने उनको जकड़ लिया था। और वो ये कह रहे थे कि वो इनको अपने साथ ले जाएंगे। जहाँ से उन्होंने वो फूल तोड़ा वो जगह सेफ ज़दा थी, वहाँ पर जिन्नात थे और उन्हें जिन्नात ने उनको इस तरह से नुकसान पहुँचाया। जब उनके यहाँ नाना अबू पैदा हुए तो उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी, उनका इंतकाल हो चुका था उनकी पैदाइश के बाद। ये एक स्टोरी थी जो तस्नीम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया तस्नीम आपका। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए हमेशा, बिल्कुल भी मत बाहर से फूल वगैरह तोड़ा करें, कोशिश किया करें कि जहाँ से आप गुज़र रहे हैं वहाँ पर अगर ऐसी कोई जगह है भी सही तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतुल कुर्सी पढ़कर वहाँ से निकल जाना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुस्तफ़ा ख़ान ने कराची से शेयर की है। मुस्तफ़ा आपने पता नहीं वो कौन सी लैंग्वेज में आपने लिखा है, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। मुझे जितनी समझ आई है मैं उतनी स्टोरी आपके शेयर कर देती हूँ। अगर आपको लिखना नहीं आता, इस तरह से रोमन उर्दू भाषा लोग नहीं लिख सकते, आप मुझे वॉइस नोट, मुझे ईमेल पर वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, प्लीज़ आप वो सेंड कर दें। मुस्तफ़ा कहते हैं कि उनके कुछ जानने वाले थे, रिलेटिव्स थे कोई, तो उन लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। उस घर के दो पोर्शन थे, एक नीचे वाला पोर्शन था, एक ऊपर वाला पोर्शन था। तो वहाँ पर जब वो लोग शिफ्ट हुए तो उस घर में शिफ्ट होने के बाद उन लोगों को कुछ अजीबोगरीब सा महसूस होने लग गया। वो इस तरह से कुछ अजीबोगरीब सा महसूस होता था कि जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है उनके अलावा भी, जो बार बार अपने होने का एहसास दिलाता था। बाथरूम में एक से दो दफ़ा उन लोगों ने किसी को खड़े हुए देखा, वो जो मखलूक थी उनके सामने ज़ाहिर होने लग गई। कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई कमरों में है, और रात के टाइम बाकायदा किचन में खड़ी हुई वो एक लड़की को देखते थे। वो लोग कहते हैं अब ये वाक़ दिन ब दिन बढ़ने लग गए। सेकेंड पोर्शन पर भी कुछ लोग रहते थे, वो भी इनके अपने ही रिलेटिव्स थे। तो वो बताते हैं कि एक दफ़ा वो गाड़ी टैक्सी ड्राइवर थे तो अपनी गाड़ी लेकर आए, तो जैसे अभी घर में एंटर हुए तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई दावत हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे गेट टुगेदर है, बहुत से लोगों की आवाज़ थी।
वो बड़े सरप्राइज़ हुए कि हम लोगों के घर में आज किसकी दावत है जो इतने ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं। जैसे ही अपने गैरेज में गाड़ी को खड़ा किया और अंदर आए तो घर में कोई भी नहीं था, नीचे वाले पोर्शन में कोई भी नहीं था। वो इतने सारे लोगों की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी वो नहीं समझ पाए। फिर उन लोगों ने जब देखा कि अब ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, हमें इस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात नज़र आ रहे हैं, कभी वो घर के किसी हिस्से में नज़र आते हैं, कभी किचन में नज़र आती है, वो एक लड़की होती थी। उन लोगों ने फिर रुजू किया अल्लाह वाले से कि हम लोगों को पता चले कि इस घर में आखिर कौन है, ऐसी कौन सी मखलूक है जो हमें इस तरह से तंग कर रही है, हमें यहाँ पर रहने नहीं दे रही। तो जब वो आए तो वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने घर का विज़िट किया, पढ़ाई वगैरह की, तो उनको पता चला कि जिन लोगों का ये घर था वहाँ पर उनकी बेटी की मौत हो गई थी, क्योंकि ये घर आज से ज़्यादा यहाँ पर जिन्नात थे, और यहाँ पर वो वाले जिन्नात थे जो इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं। फिर उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। ये एक स्टोरी थी जो मुस्तफ़ा ख़ान ने शेयर की है। मैं जितनी समझ पाई हूँ मैंने आपकी स्टोरी को शेयर की है। तो नेक्स्ट आप प्लीज़ अगर स्टोरी शेयर करें तो आप वॉइस नोट में कर दें। पढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ एक जज साहब की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिले फरामोश वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। वो अपने कोर्ट रूम में ही थे, तो वो कहते हैं एक दफ़ा वो जो जज साहब थे उन्होंने कोई डिसीजन देना था, कोई फ़ैसला था, कोई हियरिंग थी। जैसे उन्होंने वो कंप्लीट की उसके बाद उनका कोई पेपर वर्क था, तो वो अभी तक अपने चैम्बर में ही थे, अपने रूम में ही थे, वहाँ से वो वापस नहीं गए थे। काफ़ी ज़्यादा रात होगी तो उनको गार्ड ने ये कहा कि सर आप कब घर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। जिस पर उनका ये कहना था कि मैं अभी थोड़ी देर तक यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे अभी और भी कोई केस है जिसका मुझे फ़ैसला करना है और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा रात होगी तो वो जो जज साहब थे उन्होंने अपने घर जाना था, तो उससे पहले उनको फ़्रेश होना चाहते थे, वॉशरूम में गए तो जो वॉशरूम वाली साइड थी उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे वो वॉशरूम से बाहर आए तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर पायल पहनकर कोई चल फिर रहा है, छन छन की आवाज़ आई। उन्हें बहुत अजीब लगा कि यहाँ पर पायल पहनकर कौन चल फिर रहा है, और एक से दो दफ़ा किसी के बकायदा बोलने की भी आवाज़ आई। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कौन है, इस टाइम यहाँ पर कौन है। जो गार्ड था वो बाहर अपनी ड्यूटी पर था। अब वो उन आवाज़ों के तअक्कुब में, वो जो विस्परिंग हो रही थी और वो जो छन छन की आवाज़ थी उनके तअक्कुब में आगे बढ़ते गए, तो थोड़ी सी रोशनी थी उस गैलरी में, तो वो क्या देखते हैं कि सामने कोई खड़ा हुआ है। जैसे वो उसके करीब जाने लगे तो वो एक औरत थी। उसकी जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, लाइक नॉर्मल किसी भी फीमेल की शायद उतनी हाइट ना हो। उसने पाँव में वही पायल पहनी हुई थी और चेहरा छुपाया हुआ था, और अजीबोगरीब तरह से वहाँ पर रो रही थी और कुछ बोल रही थी। अब वो जो जज साहब थे उन्होंने जब देखा तो उनको अजीब लगा कि पता नहीं ये कौन औरत है। उसके करीब जाने लगे तो जैसे सिक्स सेंस इंसान की क्लिक करती है कि मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, हो सकता है ये कोई और मखलूक हो, तो वो तेज़ी से वापस भागे उस चैम्बर से, उस हिस्से से बाहर निकल आए। तो वहाँ पर गार्ड ने जब उनको देखा कि इनकी हालत इस तरह से है, तो उसने पूछा कि सर आपको क्या हुआ है। जिस पर उनका ये कहना था कि मैंने अंदर चैम्बर में किसी औरत को देखा है और बाकायदा वहाँ पर खड़ी हुई थी, मैं वॉशरूम में गया हूँ और वो वॉशरूम वाली साइड पर ही थी। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि इसीलिए यहाँ पर रात 8 बजे के बाद कोई भी वॉचमैन ड्यूटी नहीं कर सकता, यहाँ पर अजीबोगरीब मामलात होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है, और वो जो जिन्नात हैं वो अपना आप रात के टाइम जाहिर कर देते हैं। जो औरत आपने देखी है इसको बहुत से वॉचमैन देख चुके हैं, ये इसी तरह से चलती फिरती है। जब इसके चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं तो वो लोग इसके तक्कुब में जाते हैं, तो ये बाथरूम की उसी गैलरी के एक कोने में खड़ी हुई होती है, और देखते ही देखते इसका कद और बढ़ने लग जाता है, और ये वहाँ पर खड़ी होकर अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है और रोती रहती है। जैसे ये लोग वहाँ से बाहर भागते हैं तो फिर वो गायब हो जाती है। दिन के टाइम वो वहाँ पर नज़र नहीं आती थी, रात के टाइम वो उनको अपना आप जाहिर करती थी। उसके बाद वो जो जज साहब थे अपने घर चले गए, कुछ दिन बीमार भी रहे, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो नाइट तक कभी भी नहीं जाने दी। जो भी उनका वर्क होता था वो 4-5 बजे तक अपना कंप्लीट कर देते थे।
ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। लिसनर, जिस जगह पर भी गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा होता है, जिन्नात का बसेरा होता है, वो कुछ जिन्नात की, यहाँ पर जिन्नात की भी काफ़ी ज़्यादा इकसाम होती हैं। कुछ जिन्नात होते ही तंग करने वाले हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि वो इंसान को तंग करें, शरारती जिन्नात उनको बोलते हैं। कुछ जिन्नात बीमारी देने वाले होते हैं, उनका मकसद इंसान को बीमार करना होता है, उनको लॉसेस देना, नुकसान उनके करना, बीमारियां देना, रुकावटें उनके कामों में डालना, ये होता है। कुछ जिन्नात इबादत गुजार होते हैं, नेक जिन्नात होते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। उनको जब तक तंग ना किया जाए उनकी इबादत में, या उनके जहाँ पर उनका बसेरा है उस जगह को ख़राब ना किया जाए, तो वो इंसान को तब तक तंग नहीं करते। लेकिन जो शैतीन जिन्नात होते हैं, जो तंग करने वाले जिन्नात होते हैं, उनका पर्पज़ ही तंग करना होता है, वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जिस जगह पर भी आप कभी भी महसूस करें कि कुछ है, एक तो उस बात को छुपाना नहीं चाहिए, सेकंड थिंग कि जब आपको पता चल जाए कि आपके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद है जो आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर रहा है, तो फ़ौरन से उस चीज़ को पिक करना चाहिए। या तो उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, या फिर किसी साहिब इल्म हस्ती से, किसी अल्लाह वाले से रुजू करें कि शायद उसका कोई तोड़ हो, वो उसको वहाँ से निकाल सकें। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद दावत देते हैं गैर मरी मखलूक़ात को, अपने घरों को वीरान छोड़ देते हैं कि वो वहाँ पर जाकर बसेरा करें, अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें, सफ़ाई रखा करें, कुरान पाक नमाज की पाबंदी रखें, तो इंशाल्लाह कभी भी जिन्नात नहीं आएंगे। सूरत बकरा लगाया करें बाकायदा अपने घर में, उससे शैतीन जिन्नात निकल जाते हैं। सूरत रहमान लगाया करें अपने घर में, उससे घर में रहमत आती है, बरकत आती है। इन चीज़ों का अहतमाम किया करें। अब जैसे कोरोना वायरस इस हद तक फैल गया पूरी दुनिया में, तो हर घर में अज़ान लगानी चाहिए, ऊंची आवाज़ में लगानी चाहिए अज़ान। कहते हैं कि जब भी किसी जगह पर कोई इस तरह से वबा आए कि वो इस तरह से जानों के नुकसान हो, तो अब अज़ान को हमेशा लगाना चाहिए ऊंची आवाज़ में। जितनी अज़ान लगाएंगे इंशाल्लाह ये बीमारी चली जाएगी। हम सबको अल्लाह से मिलकर दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी चाहिए कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत सवेयर है, बहुत सारी जानें जा रही हैं। तो बिल्कुल ये लाजमी दुआ करें। मेरे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं सैयद सलमान शाह इंडिया से, उनके नाना अबू का आज इंतकाल हो गया, तो ज़रूर आप सब भी दुआ करें अल्लाह उनके नाना जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता करें। इसलिए ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नमाज़ पढ़कर अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए दुआ मांगा करें और रहम की दुआ मांगा करें। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। जब इंसान अल्लाह से रहम मांगता है तो वो रहम करता है। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।